नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस में जीव विज्ञान से श्वसन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र से पिछले 30 वर्षों में पूछे गए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, आंसर हो जाएगा ए फेफड़ा। हमारा फेफड़ा ही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर दो है, देखिए अस्तनधारियों में श्वसन फुसफुस अर्थात फेफड़े के द्वारा संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री की श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर होगा नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा श्वसन क्रिया में। क्वेश्चन नंबर फोर की जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। नंबर फाइव की मानव रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन का कार्य क्या है। तो मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करना। और देखिए जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये दो तत्वों से मिलकर बना है, एक तो हीम नामक पदार्थ और दूसरा ग्लोबिन नामक प्रोटीन, इन दो से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और रक्त अर्थात ब्लड का जो रंग लाल होता है इसी हीम नामक पदार्थ के कारण ही रक्त यानी ब्लड का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के रूप में। क्वेश्चन नंबर आठवां की एटीपी का एडीपी जैव रूपांतरण, एटीपी का एडीपी जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नौ की देखिए मायोग्लोबिन में लौ अर्थात एफई अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 केचुआ, तो देखिए केचुआ के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपकी मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मानव के शरीर में रक्त की मात्रा मानव के शरीर के भार का 7-8% होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन है 100 किलोग्राम तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा होगी 7-8 किलोग्राम। 12वां की मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है। मानव का औसत रक्तचाप होता है 120/80 और 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की मानव का जो रक्तचाप होता है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। मानव का रक्तचाप मान लीजिए किसी व्यक्ति का 120 है तो वायुमंडल का जो दाब है उससे 120 ज्यादा है, तो मानव का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की रक्तचाप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो HG से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन पूछा था कि HG से क्या तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा मरकरी। HG से तात्पर्य है मरकरी अर्थात पारा।
क्वेश्चन नंबर 16 की कार्ल लैंड स्टीनर ने चार रक्त समूहों की खोज की थी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने चार रक्त समूहों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि लैंड स्टीनर एवं वीनर इन्होंने रीसस बंदर के रक्त में आरएच फैक्टर की खोज की थी। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा है, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित रहता है, किंतु ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ए और बी अनुपस्थित रहता है। ब्लड ग्रुप ए बी में देखिए तो ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी ए और बी अनुपस्थित रहता है, किंतु ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी उपस्थित रहता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, अनेक बार प्रश्न पूछा है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब देखिए कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि करती है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब कम हो जाता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है और कम हुए ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कम हुए रक्तचाप को बढ़ा देता है कौन, एड्रेनलिन हार्मोन, और यह स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की एंटीजन क्या है, तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। एंटीजन क्या करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त अर्थात स्टिमुलेट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, तो लिम्फोसाइट्स अनेक कार्य होता है इसका, जैसे कि यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा कार्य यह इसका कि यह रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट्स। इसका तीसरा कार्य है कि लिम्फोसाइट सबसे छोटे रुधिराणु हैं किंतु संख्या में सर्वाधिक होते हैं। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये गस्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ये प्रायः रक्त के संचलन में भी सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, शरीर का संक्रमण से रक्षा करता है। हमारी जो शरीर है उसकी संक्रमण से रक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। और देखिए मानव रक्त, तो मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड जो होता है तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु अर्थात ब्लड कार्पल्सेज होते हैं। मानव रक्त में जो 55% प्लाज्मा होता है उसमें से 91% तो जल ही होता है, थोड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं और थोड़ी सी मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और मानव रक्त में जो 45% रुधिराणु अर्थात ब्लड कार्पल्सेज होते हैं इसमें होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये डब्ल्यूबीसी के ही भाग होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।